नगर निगम दुर्ग के वर्तमान शहर सरकार के कार्यकाल को 3 वर्ष पूर्ण होने पर ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा के तहत वार्ड 1 पंचशील नगर नवापारा की परिक्रमा कर वार्ड की मूलभूत सुविधाओं, समस्याओं व वार्ड वासियों की जरूरतों को जाना। आइए देखते हैं वार्ड परिक्रमा के दौरान पार्षद व वार्ड वासियों से की गई बातचीत के। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमने एक नया एपिसोड शुरू किया है आज से, वार्ड परिक्रमा। इसके तहत हम दुर्ग नगर निगम के उन प्रत्येक वार्डों में जाएंगे और वहाँ के विकास कार्यों को देखेंगे किस तरह का है और वहाँ पर जो पार्षद हैं उन्होंने कितना विकास किया या विकास के लिए वो कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, और निगम में जो सरकार दुर्ग की कांग्रेस की है या जिस जगह में पार्षद भाजपा के हैं उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, इस पर हम चर्चा करने के लिए सबसे पहले शुरुआत की है वार्ड 1 पंचशील नगर नया पारा। जी हाँ, ये दुर्ग का वार्ड 1 है। यहाँ के पार्षद हैं मनीष साहू जी और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही कल्पना देशमुख मैडम है जो कि महिला बाल विकास विभाग में भी हैं और दूसरा प्रदेश सचिव भी वो हैं। सबसे पहले हम इन सब दोनों का स्वागत करेंगे। सर आपका स्वागत। स्वागत। मैडम आपका स्वागत। स्वागत। यहाँ के पार्षद मनीष साहू से मैं एक सवाल करना चाहूंगी विकास कार्यों को लेकर। जैसे कल 6 जनवरी है और आपको शपथ ली, कल 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बहुत अच्छे मौके पर हमने ये शुरुआत की है। आप विकास की गाथा अपनी जुबानी बताएंगे कि क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। जी, मैं मेरे पार्षद बनने से पहले जो काम यहाँ नहीं हुआ था उस कार्य के लिए मैं अपने नगर निगम में महापौर को, विधायक को अपने लेटर पैड के माध्यम से विकास कार्य के लिए स्वीकृति और निवेदन किया है, और उसके द्वारा अभी तक मेरे वार्ड में मात्र 15 लाख रुपए का विकास कार्य के लिए स्वीकृति मिला है। उसमें नाली बना है और अभी रामचंद्र नगर में रोड का कार्य चल रहा है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे तालाब, वार्ड नंबर 1 में तालाब नहीं है, तालाब की समस्या है, उसके लिए हमने आवेदन दिया है। जीरो वेस्ट SLR सेंटर नहीं है, उसके लिए दिया हुआ है। और विकास कार्य हम जनता तक पहुंच के उसके दुखों सुख दुख और नगर निगम ना जाना पड़े, इसके लिए हम घर घर पहुँच कर उसके साथ काम कर रहे हैं। पार्षद मनीष से बताया कि हम घर घर जाकर विकास कार्य के तहत लोगों से जानकारी ले रहे हैं और विकास कार्य को चहुमुखी अंजाम दे रहे हैं। हम कल्पना मैडम से पूछना चाहेंगे कि क्षेत्र वार्ड 1 जो है ये नया पारा, यहाँ विकास कार्यों को आप किस नज़रिए से देखती हैं, ऐसा कौन सा विकास कार्य जो रुका हुआ है आपको लगता है कि वो होना था? यहाँ विकास कार्य, नाली का निर्माण बहुत ज़रूरी है, और जैसे गली कूचे हैं वहाँ रोड का है जो पहले बना था अभी यानी ख़राब हो चुका है, परंतु हमारी सरकार के द्वारा नगर निगम शिव कुमार डहरिया और मुख्यमंत्री के द्वारा इतना पैसा दिया गया है दुर्ग नगर निगम को, करोड़ों का सौगात दिया गया है, विधायक और महापौर तत्पर लगे हुए हैं, हर वार्ड में विकास कार्य के लिए एक क्या बोलते हैं ये भी लगाया जाता है शिविर बीच बीच में, और उसके माध्यम से शिकायत सुनी जाती है और उसको पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। विधायक बहुत तत्पर हैं अरुण बोरा जी, वो हर समय वार्ड का, हर वार्ड का, ऐसा नहीं है कि एक ही वार्ड, हर वार्ड का वो भ्रमण करें दुर्ग शहर में और निरंतर मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ महापौर धीरज बाकलीवाल का भी योगदान है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है, क्योंकि BJP का पार्षद है मनीष साहू जी। मैडम का कहना है पक्षपातपूर्ण रवैया यहाँ नहीं है। मैं मनीष सर से पूछना चाहूँगी, दुर्ग निगम में सरकार महापौर कांग्रेस के हैं और आप पार्षद भाजपा के हैं, कितना आपके साथ में भाई भतीजावाद किया जाता है, क्योंकि क्षेत्र के विकास कार्यों को तो मीडिया भी अपने नज़रिए से देख रही है। जी, विकास कार्य के बारे में बात करें तो मैं तो कहूँगा कि मेरे 3 साल में मेरा 2 लेटर पैड का पूरा पेज खत्म हो गया लिख लिख के देते हुए, लेकिन यहाँ पे जो राशि दी जाती है वो बहुत भेदभावपूर्ण दी जाती है। अपने पार्षदों को तो 15 लाख 20 लाख देंगे तो हमको सिर्फ 8-9 लाख में ही वो बंद कर देते हैं, और जैसा कि अभी जो रोड का काम चल रहा है वहाँ 25 लाख रुपये का एस्टिमेट दिया गया था, लेकिन मात्र हमको 9 लाख रुपये दिया गया है। और विकास जनदर्शन के माध्यम से बात करें कि 2 बार हो गया यहाँ 3 साल में, जनदर्शन के माध्यम से जनदर्शन लगाते हैं, और जनदर्शन में जो लगाया जाता है
नाली साफ करने का जन शिकायत होता है तुरंत साफ हो जाता है ना, और नाली साफ करने बोरिंग ये सबको कोई ये दिक्कत ही नहीं, लेकिन मेन चीज़ यहाँ सबसे बड़ी समस्या है गरीबों को पट्टा की समस्या। दो दो तीन तीन बार हो गया पट्टे के लिए शिविर लगाते, लेकिन पट्टा अभी किसी को नहीं मिला है। और बात करें तो रोड का, नाली का और तालाब का, यहाँ के लिए अभी तक कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। मैडम अभी पार्षद मनीष साहू ने बताया कि पक्षपात रवैया बिल्कुल अपनाया जाता है, आपने अभी कहा करोड़ों रुपए की सौगात मुख्यमंत्री ने, मानना है कि पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं है पार्षद जी बोल रहे हैं, क्योंकि तालाब सौंदर्यीकरण ये यहाँ पे एक ये था डबरा बोलते थे पहले, उसको तालाब के नाम से वहाँ मूर्ति भी स्थापित की गई है, उसके लिए भी पैसा विधायक निधि से दिया गया है। अब चूंकि काम लेट हो रहा है, ये कह सकते हैं कि ठेकेदार लोग यानी काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, और बीच में अभी ठेकेदारों लोग को बुलाया भी गया था मेयर के द्वारा और विधायक के द्वारा, उनको यानी समझाइश भी दी गई कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका टेंडर निरस्त किया जाएगा। आप काम की बात कर रही, जबकि मनीष साहू ने बताया पार्षद ने कि जो राशि स्वीकृत होती है वो जहाँ कांग्रेस के पार्षद है वहाँ ज्यादा राशि स्वीकृत की जाती है और इनके वार्ड में कम राशि, उसके लिए क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि विधायक तो सभी के हैं और वो यानी एक ही नजरिया से देखते हैं, ना भाजपा ना कांग्रेस। विधायक अपनी निधि से भी काम करवा रहे हैं हर वार्ड में, और शासन जो दे रही है पैसा उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अभी टेंडर यानी करोड़ों की जो सौगात हुई है वो 6 महीने पूर्व ही हुई है, तो कागजी प्रक्रिया जो होती है उसके कारण लेट हो रहा है। हो सकता है पार्षद जी के अपने मन में ये भावना ला बैठे हैं कि पक्षपात पूर्ण रवैया हो रहा है, परंतु हमारा ये नहीं है, क्योंकि हमको पूरा वार्ड देखना है और सरकार हमारी सौंदर्यीकरण और सबसे मेन चीज है रोड, पानी, नाली, ये सब जो मूलभूत समस्या है उसके प्रति ध्यान दे रही है। कल्पना मैडम ने बताया कि पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं है। मनीष सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्षेत्र का हमने दौरा किया, एक मोहल्ला जो एक चौक है जहां हमने देखा एक झाड़ियों सा एक वहां पर आकार बना हुआ है और लोग वहां अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, कहीं ना कहीं शामिल एक सदस्य ने भी कहा कि सड़कों का जो चौड़ीकरण था वहां पर उसको अनदेखा कर दिया, क्या आपका कहना चाहेंगे? बहुत सही कह रहे हैं आप, मोहल्ला यहां से पंसिल नगर से आप मोहल्ला जाएंगे तो वो त्रिकोण आकार पे रोड बना हुआ है, यहाँ से पंसिल नगर से शुरू होता है और मोहल्ला तक जाएंगे तो आप एकदम 15 फीट में आ जाएंगे। वहाँ पे जब रोड बन रहा था तब हमने इंजीनियर को, महापौर को, कलेक्टर को भी शिकायत दर्ज कराया कि यहाँ पे रोड बहुत गलत तरीके से बन रहा है और नाली भी गलत तरीके से बन रहा है, इसको जो शुरुआत से ही चौड़ीकरण होना था उसको लास्ट तक हो जाना था, जिसके कारण रोज आए दिन दुर्घटना हो रहा है, कई लोग एक्सीडेंट के कारण दुर्घटना का जोखिम का सामना कर रहे हैं, और बहुत ही मतलब इसको देखा जाती है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और इसके लिए मैं शिकायत भी कर चुका हूं कई बार, लेकिन हमारी सरकार नहीं है इसलिए हमारी सुनवाई नहीं होती। कल्पना मैडम, पार्षद ने साफ कहा इनकी सरकार नहीं है, सुनवाई नहीं होती। एक सड़क का उल्लेख उन्होंने किया है जहाँ पर आए दिन असमय दुर्घटना होके लोग अपनी जान तक गंवा रहे हैं, ऐसा पक्षपात रवैया है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये पक्षपात रवैया नहीं है। आप यानी किसी से पूछे, पहले जो रोड था मोहल्ला रोड जो बता रहे हैं आज इतना बढ़िया बन गया है कि आप सब जो बघेरा रोड तरफ के जाते थे ना इवनिंग वॉक करने, मॉर्निंग वॉक, वो आज उस रोड में जा रहे हैं कि वहाँ दुर्घटना नहीं होती। गए अब कैसे दुर्घटना होती है उसको पार्षद ही बताएगा, अपने को तो मालूम नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैं इवनिंग वॉक में निकली थी तो मेरे को बताया कि जो निकले थे इवनिंग वॉक में, मैं बोली भैया आप लोग बघेरा की तरफ जाते हो, इधर खाया कैसे जा रहे? नहीं दीदी, इधर अच्छा बन गया है रोड और इधर दुर्घटना वगैरह से बचना है, इस कारण हम लोग यहीं जाते हैं। मैडम ने कहा था कि अभी 6 महीना है भी हुए हैं जो राशि स्वीकृत की गई है, क्या आपको लगता है कि इन आने वाले दिनों में आपके वार्ड के लिए राशि स्वीकृत होगी और इधर विकास कार्यों को ध्यान दिया जाएगा, ध्यान केंद्रित किया जाएगा? हमने तो अपनी तरफ से राशि स्वीकृत करने के लिए महापौर जी से और आयुक्त महोदय से अपने लेटर पैड के माध्यम से दिया है, एस्टिमेट बनवाया है। अगर हमको ये राशि स्वीकृत नहीं होगी तो हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे भी वार्ड की जनता के साथ दुर्ग नगर निगम का, अगर हमको स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं होती है तो हम घेराव करेंगे। तो वार्ड परिक्रमा में हम वार्ड 1 में थे,
और वार्ड एक पंचशील नगर नया पारा कहलाता है। प्रदेश महासचिव कल्पना मैडम और दूसरा यहाँ के पार्षद मनीष साहू से हमने चर्चा की, तो मनीष साहू ने टोटल यही बताया कि निगम जो है जहाँ पर सरकार कांग्रेस की है उन्होंने इनके साथ हमेशा पक्षपात रवैया अपनाया है। राशि स्वीकृत करना हो या विकास कार्य हो हमेशा दोहरा रवैया अपनाया है। आने वाले दिनों में इन्होंने प्रदर्शन और आंदोलन तेज करने की बातें कही है। देखना होगा कि नगर निगम का ध्यान इस ओर किस कब और कैसे आकृष्ट होता है।